नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, अब नहीं तो कब। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर की ये आज की वीडियो है। हालांकि मैं इसको वीडियो नहीं बोलूंगा, एक ऑडियो क्लिप ही बोलूंगा, जो कि भेजी है मुझे अपने ही चैनल के एक सब्सक्राइबर आदित्य जी ने। हालांकि उनकी भी एक बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब चैनल है, तो जिन्होंने अभी भी उनकी वो चैनल को विजिट नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उनकी चैनल के लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टॉपिक ये है कि अब नहीं तो कब। देखिए, उन्होंने जो मुझे ऑडियो क्लिप मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी, तुरंत ही मैंने नेक्स्ट आवर मैंने उनको कॉल किया कि आदित्य इसके ऊपर तो एक वीडियो बननी चाहिए। उनका एक कन्वर्सेशन हो रहा था एक छोटी बच्ची के साथ, और बच्ची ने जिस तरीके से उनके साथ बात की कि उनके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, आगे फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, बहुत ही सुंदर संवाद है वो, और सभी लोगों को पूरा सुनना चाहिए। पूरे 5 या 6 मिनट का ये ऑडियो क्लिप है, पूरा सुन लीजिए, और जो अभी भी अपने आप को महान समझते हैं वो तो जरूर सुनिएगा कि आगे आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। अब छोटे छोटे बच्चे भी जानने लग गए हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर से एक बार सभी को रिक्वेस्ट, आदित्य जी की चैनल जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, वहां पर जाके उनकी चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो लेट स्टार्ट आज की ये वीडियो कम ऑडियो क्लिप स्टार्ट करते हैं। आपके पेपर में मेरे नहीं, ड्यू कॉलेज कॉलेज के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, और कहा गया है कि इसको ऐड करेंगे अब बच्चों के सिलेबस में, पढ़ाया जाएगा बिजनेस क्या है रिलेटेड सब कुछ। और क्या क्या चेंज हो गया ना, और क्या क्या, और स्टडी का वो पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। जैसे पहले था कि पहले 3 सेक्टर में बटा हुआ था, फर्स्ट टू फिफ्थ, फिफ्थ टू एट्थ और एट्थ टू ट्वेल्थ, अब 4 सेक्टर में बट गया ये सब। और पहले मार्क्स के बेसिस पे साइड दी जाती थी, लेकिन अब जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको वो साइड मिलेगी, मार्क्स वो हटा दिया, वो बेसिस अच्छा, हटा दिया। अच्छा, तो बिजनेस के रिलेटेड में क्या क्या आया है? और बिजनेस के रिलेटेड में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, मतलब बिजनेस करना चाहते तो एक वैलिड प्रूफ उनको दिखाओ कि आप ये चीज आप करोगे तो वो आपको लोन इजिली प्रोवाइड करवाएगा, इंटरेस्ट भी उस पर कम रहे, जब आपका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगे तो आप उनको लौटा दो आराम से। तो इस ऐसे करके, और अपने अगर आप आइडियाज और व्यूज भी वहाँ दे रहे हो तो भी वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे उसको ग्रो करने में, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। अच्छा, और पेपर में क्या आया था? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग करके क्वेश्चन आया था, किस क्लास में, वायरल हो रहा था, किस क्लास में था ये क्वेश्चन पे देखा था मैंने उस पे, तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था सबके पे, तो मतलब एक दूसरे को सब सेंड कर रहे थे कि ऐसे ऐसे आ रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किताबों में भी पढ़ाया जाए? हाँ, मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो जो अमेरिका वहाँ पे 70% से भी ज्यादा सिर्फ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, और ये लेवल सिर्फ सबसे ज्यादा कम इंडिया में है, तो अब इंडिया में इसके ऊपर फोर्स किया जा रहा है ताकि इंडिया जो है। ये सारी तुम्हें नॉलेज किसने दिया फिर, स्कूल के टीचर्स ने? हाँ, ये टीचर्स बताते हैं। तो सारे स्कूल के बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में टीचर्स जागरूक कर रहे हैं? काउंसलर आते हैं बाहर से, अब हम 12th में है ना, तो हमें बताने काउंसलर, अभी इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ, जो पिछले साल था अभी और थोड़े दिन पहले भी आए थे, जब 1 महीने के लिए स्कूल खुला था तो काउंसलर आए थे बताने सब चीजों के बारे में। तो इसका मतलब हर स्कूलों में ये सारी चीजें बताई जा रही है? अब धीरे धीरे वही होगा, ये साल तो पूरा ही बर्बाद हो गया, तो किसी को कुछ बता नहीं पाए लोग, अब अभी नेक्स्ट ईयर से देखो शायद। तो कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे अब पढ़ने वाले हैं, जो युवा बच्चे बच्चे बच्चियां निकल रहे हैं, तो उनको ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बताया जा रहा है ताकि आगे आने वाले भविष्य में नेटवर्किंग सब लोग कर सके। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग और एक तरह से पूरे बिजनेस को बताया जा रहा है, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग को भी ऐड किया जा रहा है क्योंकि वो बिजनेस का ही एक पार्ट है। तो वो सब कुछ ऐड किया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई सा भी छोटा से छोटा आइडिया हो तो ग्रो करने की कोशिश करो। मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे ज्यादा आसान तरीका नेटवर्क मार्केटिंग ही है बिजनेस। हाँ, सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है। तो आप लोगों को ये बात पता लग चुका है कि बिजनेस सिलसिले में सबसे आसान तरीका क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ये सब टीचर्स लोग आकर के काउंसलर लोग बताते हैं? काउंसलर
काउंसलर भी बताते हैं और एक अंकल भी आए थे अभी हाल ही हाल में घर पे, वो बगल वाले अंकल लेके आए थे, उनको पापा पापा से कुछ बात करने, वो किसी नई कंपनी में जुड़े थे, वो तो वो ये सारी बातें बता रहे थे, तब मैंने सुना। तो स्कूल में जो बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं उनके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करने की कुछ जिज्ञासा उठती है? वो उन बच्चों के अंदर उठती है जो वो इन चीजों को समझ चुके होते हैं, बाकी सब तो यही सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना कई कंपनीज ऐसी आती हैं, चलती हैं, लोगों के पैसे लेती हैं और भाग जाती है। जैसे ROI कंपनी आती है, वो लालच देती है बहुत सारा, उसके बाद जब पैसे कलेक्ट हो जाते हैं तो वो भाग जाती है। तो इस वजह से ना लोगों को भरोसा नहीं हो रहा जल्दी, जब तक कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा ये बात बताओ, ये ROI के बारे में तुम्हें कैसे पता? वो सर्च मार रहा था, हाँ? मतलब मैं देख रही थी ना कि बिजनेस में क्या क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में चीज आई कि मैं देखूं क्या क्या है। क्या मतलब ये है कि ROI प्लान, जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, ये सारी चीजें तुम लोगों को पता चल रहा है? हाँ चल रहा है, सब चल रहा है। अरे वाह, जिस फील्ड में पैर रखोगे तो फिर चाचा सोचोगे ना तो फिर उसकी चीजें पता ही लग जाती है अपने आप। तो अच्छा ये बताओ, तुम लोग जैसे अभी छोटे छोटे हो, पढ़ रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या सही कर रही है, बच्चों को बिजनेस की तरफ ले जा रही है? बिल्कुल सही कर रही है चाचा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं बता पाते उनको करना क्या है, वो ये सोचते हैं ट्वेल्थ हो जाएगी, शादी हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, नहीं तो कोई छोटी मोटी नौकरी ले लेंगे। लेकिन अगर बाहर से टीचर्स आ रहे हैं, बता रहे हैं, तो बच्चों को एक तरीका मिल रहा है, एक वे मिल रहा है कि वो ढूंढ सके, वो समझ सके कि आगे उन्हें करना ही क्या है। कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ तो कर लेंगे, कुछ तो समझ में आएगा। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर अभी एक साल हुआ है, अगर यही क्रिया 10 साल तक अगर बच्चों के साथ कर दिया जाए तो सारे सारे देश के बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ मुड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल मुड़ सकते हैं, और फिर देश में नौकरी के लिए किल्लत नहीं रह जाएगी। है? हाँ बिल्कुल नहीं रह जाएगी। तो 2030 तक क्या होगा फिर, जितने बच्चे आज 5 क्लास में है वो 2030 तक जब बड़े होंगे तो सब नेटवर्क मार्केटिंग में चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल चले जाएंगे। और आज के समय में अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो फिर उसके बच्चे तो बहुत अच्छे से मौज करेंगे फिर? वो आगे पूछो मत, उनके पैर जमीन पे नहीं रहेंगे। अरे वाह, तुम्हें ये भी पता चल गया कि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मान लीजिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो हमारे बच्चे जो स्कूल में जाएंगे तो वो बच्चों के बीच कहेंगे कि ऑलरेडी मेरे पापा तो नेटवर्किंग करते हैं। हाँ मेरे पापा इतने दिनों से कर रहे हैं, ऐसे करके वो जब बताएंगे तो फिर बच्चे वो होता है, एक रिस्पेक्ट बनती है। अच्छा तो आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि उन बच्चों की शादियाँ ज्यादा होंगी जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छे से काम करेंगे। हाँ उन बच्चों की, हाँ बिल्कुल, शादियों की बात तो छोड़ो, एक चीज होती है जिसके पास ना हर चीज अवेलेबल होती है ना, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है ना, लोग उसी को देखते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे आज के समय में गवर्नमेंट जॉब अगर कोई लड़का करता है तो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे थे, हाँ, हमें लगता है आने वाले 10 साल में तो लोग नेटवर्कर लड़का ढूंढेंगे, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा। तो फिर आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग बेटा करना बहुत जरूरी है, इसका मतलब बहुत 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 ज्यादा। फिर ये तो बात समझना, लेकिन आज के हाँ एक खासियत है, जब आप इसे शुरू करोगे ना आने वाले 6 महीने बहुत ज्यादा मुश्किल रहेंगे। सोचोगे अब क्विट करें, लेकिन एक साल बिताया आपने, थोड़ी सी इनकम आई, हिम्मत मिलती है, थोड़ी सी और आई, फिर हिम्मत मिलती है, फिर पहले आप काम ज्यादा करते हो इनकम कम होती है, लेकिन बाद में आप काम कम करते हो लेकिन इनकम ज्यादा होती है, क्योंकि आपके पीछे भीड़ काम कर रही होती है और आप बैठे होते हो। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें कोई कंपनी, अभी किसी कंपनी में तुमने काम भी नहीं किया और तुम्हें इतनी नॉलेज किताबों से और टीचरों से हो गई? हाँ चाचा, एक ना एक चीज होती है अपने फोन में यूट्यूब, उसको सही अगर यूज करे ना तो बहुत, मतलब पूरी दुनिया अपने कदमों में होती है। बिल्कुल राइट, चलो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर।